पर राष्ट्रपति आएंगे, उनका संबोधन होगा। आगे बढ़ रहे हैं, गहलोत कैबिनेट का बैठक आज होने जा रहा है। गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी, सीएम गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। शाम 5 बजे बाद बैठक प्रस्तावित है। विधानसभा सत्र से पहले महत्वपूर्ण ये बैठक, सत्र में लाने वाली विधेयकों को लेकर चर्चा होगी। चर्चा आपको बता दें कि सत्र में लाए जाने वाले विधायकों को लेकर, कैबिनेट की मंजूरी को लेकर होगी और पेपर लीक रोकने के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। अब ऐसे प्रावधान वाले बिल लेकर आएगी सरकार। सामाजिक सुरक्षा गारंटी को लेकर भी कानून लाने की तैयारी है। प्रत्येक परिवार को न्यूनतम आय का कानून बनाया जाएगा सरकार की तरफ से। आरपीएससी में नियुक्तियों के प्रावधान पर भी बिल ला सकती है सरकार। उधर विधानसभा से पहले आपको बता दें कि इन विधेयकों को मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी और सत्र में तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को निर्देश दिए जाएंगे और सत्र में पूरी तैयारी से आने को मंत्रियों को कहा जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा सदन का ये आखिरी सत्र होने जा रहा है। अब ऐसे में गहलोत सरकार विपक्ष को कोई भी मौका नहीं देना चाहती। और सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। शशि, सत्र से पहले ये बैठक होने जा रही है सरकार के मंत्रियों को लेकर, और कितने ऐसे विधेयक हैं जिनको लेकर भी लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, चाहे बात की जाए यहाँ पर पेपर लीक मामले को लेकर, सख्त से सख्त सजा को लेकर, उम्र कैद की सजा, चाहे और भी विधेयक जो कि जनता के हित में है। अब ऐसे में और ज्यादा ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, और क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल संपन्न होने वाला है और उससे पहले यह सत्र की आखिरी बैठक होगी। ऐसे में सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों में से कोई भी पक्ष अपना मौका हाथ से नहीं जाने देगा। सरकार पूरी तरह अपनी तैयारियों, योजनाओं के साथ में, विधेयकों के साथ में आएगी। विपक्ष पूरी तरह सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन इस सत्र से पहले कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई जा रही है। इस बैठक में आगामी विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर कैबिनेट की मोहर लगाई जाएगी। एक विधेयक देखिए, पेपर लीक रोकने के लिए जो सरकार कानून लेकर आई पिछले दिनों, 10 साल की सजा का प्रावधान था, उसको और सख्त करते हुए उम्र कैद की सजा के प्रावधान किए जाएंगे। आमतौर पर उम्र कैद का मतलब 14 वर्ष माना जाता है, लेकिन समझा जा रहा है कि सरकार इसमें प्रावधान ये करेगी, उम्र कैद का मतलब आजीवन कारावास, यानी मृत्यु तक जेल में रहने की सजा दी जा सकती है, ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं। साथ में सरकार प्रत्येक परिवार के लिए न्यूनतम आय की गारंटी को कानून बनाने के पर विचार कर रही है। अभी तक सरकार कई योजनाएं, पेंशन दे रही है, लेकिन अब इसको कानून की शक्ल में, सामाजिक सुरक्षा कानून की शक्ल में लाने की तैयारी कर रही है। उस विधेयक पर भी चर्चा होगी। एक विधेयक जिसकी चर्चा अभी तक नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इसकी बात कर रहे हैं, आरपीएससी में नियुक्तियां किस पारदर्शी तरीके से हो, उनका क्या क्राइटेरिया रखा जाए सदस्यों की नियुक्ति का, उसको लेकर भी एक विधेयक लाया जा सकता है। अब यह पर्चा लीक रोकने वाले विधेयक में शामिल होगा या इस सबके किस शक्ल में देंगे, इसका इंतजार है। तो जैसे ही की जानकारी मिलेगी, ये भी हम दर्शकों को। ठीक है शशि, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी जरा दर्शकों को बता देते हैं। और देखिए, बैठक यहां पर होने जा रही है, लेकिन उससे पहले